नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास एक बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है वेल्डर प्रोफाइल के लिए, और ये इतनी अर्जेंट है कि अभी हमें 2 दिन के अंदर क्लोज्ड करना होगा इसको। ये रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट रहेगी मंडे 5th ऑफ जून। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है वो टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 5th ऑफ जून तक ऑफिस आके अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोफाइल के लिए अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसमें ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम कम है इसलिए ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना होगा, प्रोसेस को पूरा फॉलो करना होगा। दोस्तों, हमने पहले भी वीडियोज बनाए थे जिसमें 2 लोगों का ऑलरेडी प्रोसेस में है, सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी ये रिक्वायरमेंट नई रिक्वायरमेंट है, आज ही रिक्वायरमेंट हमारे पास में आई है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी मेल कैंडिडेट जिसको वेल्डिंग आती हो, वेल्डिंग आने के साथ साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्वालिफिकेशन 10+2, डिप्लोमा, ITI, कोई भी क्वालिफिकेशन होगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, 8-10 साल का वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट अच्छे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छा है, तो फिर अगर वो 10th पास होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वेल्डिंग के नॉलेज के साथ साथ में इंग्लिश का बहुत जरूरी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश में एक्सीलेंट होंगे, मीन्स अगर एक्सीलेंट नहीं होंगे तो गुड लेवल की इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर के क्लाइंट इसमें इंग्लिश में इंटरव्यू भी लेंगे और इंटरव्यू उनको क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों, दोनों रिक्वायरमेंट है, मीन्स इंग्लिश भी आना चाहिए और वेल्डिंग भी आना चाहिए, और प्रैक्टिकली वेल्डिंग आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट है, वेल्डिंग नहीं आती है। दोस्तों, वेल्डिंग में अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी भी स्टेट से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट काफी अच्छी है, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में, और सैलरी काफी अच्छी है। मंथली आप 2500 से 2600 अर्न कर सकते हैं, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में होता है। कोई भी कैंडिडेट जिसको अच्छे से वेल्डिंग आती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है और इसमें प्रोसेस इतने फास्ट होगी कि ये मान लीजिए 40 से 45 डेज के अंदर कैंडिडेट फ्लाई कर जाएगा। दोस्तों, ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी इस वैकेंसी के लिए जो कोटा है पहले से उपलब्ध है, पहले से अवेलेबल है। और जब हमारे पास कोटा होता है तो हम तुरंत अप्लाई करते हैं, और तुरंत अप्लाई करने का मतलब है कि 5 से 10 दिन के अंदर वीजा अप्रूवल आ जाएगा। जैसा कि एसपास का वीजा अप्रूवल बहुत फास्ट होता है, इसलिए जो वीजा आएगा बहुत फास्ट आ जाएगा और एप्लीकेशन विद इन अ वीक चला भी जाएगा। दोस्तों, इसलिए रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, अगर वो दूर से हो, जो तुरंत नहीं आ सकते हैं, मंडे ऑफिस नहीं पहुंच सकते हैं, एक बार टीम से बात करें। अगर आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। टीम से आपको इसके लिए कोऑर्डिनेट करना होगा, और जो ऑफिस आ सकते हैं वो डेफिनेटली ऑफिस आए। सबसे पहली प्रेफरेंस ऑफिस आने वाले कैंडिडेट्स को दी जाती है। एक ही वैकेंसी इसके लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से क्लोज्ड होगी। जो पहले अप्लाई करेगा वैकेंसी क्लोज्ड हो जाएगी, सिर्फ एक ही वैकेंसी है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कोई भी कैंडिडेट जब कॉल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि टाइमिंग के हिसाब से कॉल करेंगे। ऑफिस टाइम में 10 AM to 6 PM के बीच में अगर आप ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे, एक या दो बार कॉल करना है, आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा। इन केस अगर एक या दो कॉल में आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, आप एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जिसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, क्वालिफिकेशन, सब कुछ लिखने के बाद में आपकी क्वेरी क्या है मेंशन करेंगे, आपको कॉल बैक जरूर आ जाएगा। दोस्तों, जो वेल्डिंग जिनको आती है, जिनके पास में सर्टिफिकेट है, वो एक्चुअली वेल्डिंग आती है, क्योंकि वेल्डिंग का हमें वीडियो भी रिक्वायर्ड रहेगा। कोई भी कैंडिडेट जिसको वेल्डिंग आती है और अगर वो नहीं आ सकते हैं ऑफिस मंडे तक, तो एक वेल्डिंग का वीडियो बना के भेजेंगे तो भी काम हो सकता है। उसके लिए टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी, आप उनसे अगर बात करेंगे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एलिजिबल हुए तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको सपोर्ट जरूर करेगी। और इंक्वायरीज के लिए एक या दो बार कॉल इनफ है, ज्यादा कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें है, जितनी रिक्वायरमेंट आपको होती है उतनी रिक्वायरमेंट हमारे पास रहती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है और हमारे पास डेडलाइन मंडे का है, तो हमें भी ये रिक्वायरमेंट क्लोज करनी होगी। इसलिए ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि ऑनलाइन एग्रीमेंट भी हो सकता है। जनरली ऑनलाइन एग्रीमेंट की जगह हम लोग ऑफिस में जो फेस टू फेस लोग आते हैं उनका एग्रीमेंट ज्यादा प्रीफर किया जाता है। सैलरी काफी अच्छी है, लगभग 1.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में सैलरी है। आने वाले टाइम पर ग्रोथ भी होगी, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये वीजा एसपास वीजा है। एसपास वीजा के बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी पहले कई वीडियो में आपको शेयर किए हुए हैं। तो जिन लोगों को एसपास वीजा के अंडर वेल्डर प्रोफाइल के लिए सिंगापुर में जाना हो, लॉन्ग टर्म करियर बनाना हो, अपना फ्यूचर बनाना हो, वो लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट अभी है, इसलिए आप टीम को अभी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, बेसिक मीन्स एक प्रकार से इंग्लिश आना चाहिए,
20 से 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकल जनरली जाने से पहले नहीं होता, लेकिन मेडिकल फिट होना कंपलसरी है। मेडिकल के लिए पहले से आपको चेक करके रखना होगा, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट आपको श्योर होना चाहिए कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं, क्योंकि सिंगापुर जाके मेडिकल होता है। तो मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए और इंग्लिश अच्छी होना चाहिए एंड वेल्डिंग आना चाहिए। वेल्डिंग का आपको वीडियो बना के देना पड़ेगा। दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो आप दोस्तों में क्लासमेट कलेज को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हुए, एलिजिबल हुए, तो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले सभी अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।